फ्रेंड्स, वेलकम टू द वे क्लब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑन रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी पिज्जा। हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ नया मैगी का पिज्जा। इसके लिए मैंने लिया है मैगी। मैगी को मैंने बारीक भुका कर लिया है, उसको आप चाहिए तो मिक्सर में भी क्रश कर सकते हो। लिया है मैदा, सारे वेजिटेबल्स लिए हैं जिसमें ऑनियन, शिमला मिर्ची, गाजर, टमाटर, आप चाहो तो और वेजिटेबल यूज कर सकते हो। मैंने ये सारे एक एक लिया है। चीज है, बटर, रूटीन मसाला है अपना। मैं स्टार्ट करूंगी अभी बनाना। पहले मैं लूंगी मैगी, देख रहे हो आप, मैंने उसका पूरा भुक्का कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी सारे वेजिटेबल्स। इसको मैं प्रॉपर मिक्स करूंगी। करीब दो मैगी ली थी इसमें, तो वो दो मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई भी आप मैगी यूज कर सकते हो इसमें। अब मैं अपना रूटीन मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप ये रूटीन मसाला स्किप कर सकते हो, मुझे स्पाइसी ज्यादा पसंद है इसलिए मैं ये सब ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला आपके पास जो भी अवेलेबल आप यूज कर सकते हो, मैंने अभी एवरेस्ट का लिया है। मैं प्रॉपर इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने एक वाटी जितना मैदा लिया है, इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ पानी। मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बन चुकी है, अब देखो मैंने इसको पतला रखा है पेस्ट को। अब मैं इसमें ऐड करूंगी। मैंने इसमें मैदा लिया है, आप इसमें चाहो तो गेहूं का भी आटा यूज कर सकते हो, वो भी ज्यादा हेल्दी होता है। पैन में मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको पैन में रखूंगी। हम इसको पिज्जा का शेप देंगे। इसको हम करीबन 5 मिनट तक पकने देंगे। ये एक साइड पक चुका है, अब मैं इसको पलटूंगी, गैस बंद करूंगी। देख रहे हो मैंने इसके लिए चम्मच यूज नहीं कर रही हूँ। इसको पलटने के लिए मैंने थाली ली है। इसको मैं ऐसे ढकूंगी और ऐसे करके अब देख रहे हो वन साइड कैसे प्रॉपर पका है ये पिज्जा। अब मैं इसको वापस पैन में बटर डालूंगी। पैन गर्म ही है, वापस पैन गैस मैंने चालू की है। मैं इसको धीरे से वापस पैन में रख रही हूँ। अब मैं इसको वापस वैसे ही पकने दूंगी 4 से 5 मिनट। अब देख सकते हो प्रॉपर लाल हुआ है, ये पक गया है अच्छे से। गाइस प्लीज याद रहे, ये मैगी पिज्जा है, नूडल जल्दी से पक जाता है, जल जाएगा। इसको फास्ट गैस पे आप नहीं रखना, इसको स्लो फ्लेम में रखोगे तो आपका पिज्जा भी क्रिस्पी बनेगा और बहुत अच्छा लुक भी आएगा और आपको खाने में भी मजा आएगी।
इसको मैं वापस अभी 4 से 5 मिनट इसको पकने दूंगी। सेकेंड साइड भी पक चुका है, हम इसे ऐसे देखेंगे, पैन को हिला के देखो, प्रॉपर पैन को पिज्जा छोड़ दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने एक चीज को कद्दू क्रश किया है, कोई भी आप आपके घर पे जो भी चीज अवेलेबल आप यूज कर सकते हो। मैं इस पे ओरिगानो थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूं, आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको ढक्कन से ढक दूंगी और इसको चीज मेल्ट हो तब तक पकने दूंगी, करीबन 3-4 मिनट। और मैं एक बार भी ढक्कन खोल के चेक कर लूंगी, मेल्ट हो गई ये चीज हमारी। वाओ, आप देख सकते हो, अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूं। पिज्जा रेडी है हमारा, देख सकते हो, ये पिज्जा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। प्लीज गाइस जरूर ट्राई करना, बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी से भी बनती है। थैंक यू।